हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज लाल सिंह चड्ढा, जी हाँ, टी शर्ट भी मैंने लाल पहना है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की आमिर खान ने, और उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट में ये बातें अब घूम रही है कि आमिर खान की फिल्म जो दिसंबर को आएगी क्रिसमस के दौरान 2020 में, वो किस किस फिल्म से क्लैश हो सकती है। यहाँ पर दो फिल्म आप समझ लीजिए कि क्लैश होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक है क्रिश फो, जी हाँ, ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश फो के बारे में अपडेट है, बताना चाहता हूँ। बहुत पहले ही कह दिया था, एक साल पहले ही, राकेश रोशन ने, जो ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, कि क्रिश फो आएगी दिसंबर 2020 में क्रिसमस के दौरान। चलिए दूसरी खबर बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, अजय देवगन एक फिल्म कर रहे हैं, वो भी रणबीर कपूर के साथ, लव रंजन की ये फिल्म है, और इसे भी दिसंबर 2020 की रिलीज डेट दी गई है। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फिल्में फिलहाल लाइन से है 2020 के एंड के रिलीज डेट को लेकर। क्या लगता है कौन सी फिल्म टकराएगी या कितना टक्कर होगा, क्या होगा? लेकिन एक बात तो आप यहाँ पे कह सकता हूँ, खाली अब रिलीज डेट नहीं मिलने वाली जल्दी किसी को। सलमान खान ऑफकोर्स बहुत पॉपुलर है, उनको खाली रिलीज डेट मिलती है, लेकिन शाहरुख खान हो या आमिर खान को भी शायद अब कहीं ना कहीं सोलो रिलीज डेट ना मिले, और आने वाले वक्त मुझे लगता है सलमान खान को भी ना मिले, क्योंकि वो जो एक स्टार सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता जा रहा है। क्योंकि पिछले अगर साल की बात करें कि तीनों एक्टर्स की फिल्म नहीं छुरी दिखती सुपर स्टार्स की, सलमान, शाहरुख, तो ये कुछ ट्रेंड नया आते जा रहे हैं। यहाँ पर फिल्म अच्छी होगी, फिल्म थोड़ी अलग होगी, कुछ हटके होगी, शायद ऑडियंस से कनेक्ट होगी तो ही चलेगी, अदरवाइज नहीं चलने वाली है, चाहे जिस तरह की फिल्म हो। एनीवेज, आपको ये तीन फिल्मों के क्लैश को लेकर क्या कहना है? आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा, सेकेंड क्रिश फो, एंड थर्ड इज अनटाइटल्ड नेक्स्ट, रोमांटिक फिल्म लग रही है मुझे। जैसे भी होगा, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।